अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। इसका मतलब है कि 15 करोड़ की डील के लिए आपको उस जापानीज कंपनी को 51 करोड़ रुपए देने पड़े। हाँ, डोंट वरी, मैं जापानीज कंपनी के सीईओ से खुद बात करूंगा, मैं उन्हें समझाऊंगा। ये जो सामने घर देख रहे हो ना, इसमें कुछ लोग रहते हैं, उनको ये लगना चाहिए कि हम लोग इस मोहल्ले में रहते हैं, इसलिए चहल पहल मची रहनी चाहिए। अरे भैया, हाँ, आम बेच रहे हो? नहीं, मसाला डोसा बेच रहे हैं। अच्छा, मजाक भी कर लेते हो। यस नरपाल सिंह जी, कैसे हैं आप? हेलो हेलो जय, जय तुम कहाँ हो? तबेले में हूँ। जय मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है? अरे रजिस्टर भी अभी खत्म होना था। थैंक यू मिस्टर सुफॉ, थैंक यू सो मच। सो नाउ यू नो इट वॉज अ मिस्टेक, अ वेरी वेरी कॉस्टली वन, बट थैंक यू सो मच फॉर रिटर्निंग आवर मनी, रियली अप्रिशिएटेड। कम, thank you once again sir, really really nice of you. आम ले लीजिए, ताजा ताजा केसर है, दसारी है, ले लीजिए। कौन है रे? अरे आम वाले भैया हैं, जयराम जी की। हमको नहीं चाहिए आम, नहीं चाहिए। प्यार से बेच रहे हैं, खरीद लीजिए, वरना धमकी देके भी बेच सकते हैं। भाई साहब, हम गरीब लोग हैं, आम तभी खरीदते हैं जब सस्ते हो जाते हैं। आप गरीब लोग हैं, बराबर बोले हैं परमवीर चोपड़ा जी। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं परमवीर चोपड़ा हूँ? हमको तो सब कुछ पता है, इस घर में का का हो रहा है, सब जानता हूँ कि आप लोग नकली गरीब बने हैं। अरे मोनिका मालपानी जी, कैसी हैं आप? I'm beautiful. अरे ओ ब्यूटीफुल, ये तो पूछो इसे तुम्हारा नाम कैसे पता चला? I'm famous, PC. अरे ये सब छोड़िए, ये बताइए नकली बहन और नकली दाइमा कहाँ है? नजर नहीं आ रही है, बुलाइए। अब बताओ, ये कह रहा था मैं, ये कह रहा था, इसे सब कुछ कैसे पता चला? हम सब भांडा फोड़ देंगे। अरे पगड़ी वाले भाऊ, आपको बहुत जरूरी बात बतानी थी। नमस्ते। नमस्ते। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप सुनेंगे तो थरथरा के कांप जाएंगे। हाँ तो बताओ। आपका ये पेन नीचे गिर गया था, ये लीजिए। हाँ, चलिए अच्छा, हम चलते हैं यार। अरे ए! अरे पेड़ पे लगाना भी है तो वापस। अरे देखा, बचा लिए ना, कैसी रही मेरी। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। मुंह मांगी रकम दे देंगे आपको। हाँ। बस अपना मुंह बंद रखिए प्लीज। अरे मुंह तो हम बंद रखेंगे लेकिन मूंछ खोल देंगे। दीपक, कितने मुंह जान से मारूंगा, ये सब करने की क्या जरूरत थी? लोखंडे अंकल को लगना चाहिए कि नकली मोहल्ला नहीं, लोग यहाँ आसपास रहते भी हैं, इसलिए मैंने ये एक्टिंग की। एक्टिंग दिखाता है। अब तुम्हें सच में बताऊंगा। Thank God. अनुज महाशय, मेरे तो हृदय की कंपन गति अत्यंतिक उत्तेजित हो गई थी। 15 कोटी रुपए की राशि के बदले में 51 कोटी रुपयों का अकल्पनीय भुगतान अत्यंत वेदनापूर्ण हो सकता था हमारे संस्थान के लिए। हाँ अरे कंठनाथ जी,
ये आपकी हिंदी सुन सुन के ना लोग हमसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, इसलिए तो हमारी सस्ती डील हो जाती है। धन्यवाद महाशय। निसंदेह आप हास्यपूर्ण व्यक्तित्व के धनी हैं, धन्य है। वैसे अनुज महाशय, आपके परिवार के सारे सदस्यों का वो झूठे दीन मनुष्य बनने का कार्यक्रम, उसका विकास कैसे चल रहा है? दीपक। निसंदेह दीपक जी। दीपक नीलकंठ जी, जब ही आप दोनों का एक साथ मिलन हो, कहिए भेंट हो, भेंट जो भी हो, गला दबा देना उसका। देखिए अहिंसा परमो धर्म मेरे फूफा जी कहा कर। अरे आपके फूफा जी को नमस्कार। बहन जी नमस्ते। नमस्ते। आपकी चिट्ठी आई हो। मेरी? हाँ। आप तो वही है ना जो साबुन और इतर बेचती है? नहीं 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 नहीं, तो आपको किसे पता है मैं वो नहीं हूँ। मुझे सब पता है कि आप कौन है। डाके भाई, आपको इस लड़की के बारे में सब कुछ पता है? मैं ना अभी बताता हूँ भाई साहब। पकड़ लिया, ये वही है, ये वही बदमाश है जिसने हमसे ये गरीबी का नाटक करवाया है। हम तो सिर्फ प्यादे थे, असली खिलाड़ी ये है लोखंड जी, ये है। चल चल उनके पास चल। अरे अंकल क्या कर रहे हो आप, अपना भांडा खुद ही फोड़ रहे हो। तो ये पहले सोचना था, जब आम वाला बनकर आया ना उससे पहले सोचना था। सब पता चल गया है उनको, खेल खत्म हो चुका है, यहाँ पे सारा खेल खत्म हो चुका है। जय की क्या पता है? पता है। अरे जय भैया की हालत कितनी खराब हो रखी है। अरे मैं तो बोलती हूँ ना कि भगवान ऐसा दोस्त दुश्मन को भी ना दे। चल उनके संदर्श, चल चल चलो, मांग माफी। सॉरी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, वो जय के प्यार के लिए किया। जय जया से बहुत प्यार करता है, इसलिए मैंने दोस्ती के लिए ये सब किया। इसमें मेरी गलती भी है और इन लोग की भी गलती है, मुझे माफ कर दीजिए। मतलब आप लोखंडे जी नहाने गए हैं? हाँ। अंकल ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तू क्या कर रहा था? आम ले लो। आम ले, आम ले, आम ले। अरे डाके भैया। हाँ हाँ, जरा देखो ना मेरे काका की कोई चिट्ठी आई है। तुम्हारे काका राजेश खन्ना थोड़ी जो पूरी दुनिया जानेगी, चिट्ठी आई है। तमीज से बात करो, आपको नाम नहीं पता है उनका? ललित राव लोखंडे। और आज सुबह सुबह ही रेडियो पे मुख्यमंत्री जी ने उनकी सराहना की है, समझे? लेकिन जो भी हो, लेकिन राजेश खन्ना तो नहीं है ना? ये डाकिया मुझे उस आम बेचने वाले जैसा क्यों लग रहा है? सुनो,
महोदय, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट ढूंढ रही थी। आप एक काम कीजिए, बाहर से दाहिने मुड़े, फिर पहला बाएं, वहीं पे स्थित है हमारा लेखा कक्ष। लेकिन मैं तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट ढूंढ रही थी। देवी जी, उसी को आंग्ल भाषा में अकाउंट्स डिपार्टमेंट बोलते हैं, जबकि हमारी मातृभाषा में लेखा कक्ष। ओके, थैंक यू। अरे रमेश भाई, कैसे हो? कहाँ हो आजकल, दिखाई नहीं देते। अरे सुरेश भैया, गांव गए थे फसल कटवाने के लिए। आप बताओ, आपका क्या हाल चाल? अरे क्या बता भैया, हमारा बेटवा फिर से चटनी में फेल हो गया। भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा, दो दिन से कुछ खाए नहीं। भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा, भगवान तेरा भला करे। लगता है इसको मुझ पे शक हो गया है। भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा, भगवान। क्या देखता इधर, कभी भिखारी नहीं देगा क्या? हट इधर, कभी भिखारी देखा क्या? क्या कर रहा है? रुक, रुक, ए भिखारी रुक। भागो। ए रुक, रुक। ए, ए। अरे एड्रेस नहीं। अरे नहीं पता एड्रेस भाई। अरे रमेश भैया कैसे हो, कहाँ हो आजकल, दिखाई नहीं देते। अरे सुरेश भैया, गांव गए थे फसल कटवाने के लिए। आप बताओ क्या हालचाल बा? क्या बताएं भैया, हमारा तो बिटवा फिर से चटनी में फेल हो गया। क्या बात कर रहे हो भैया, फिर से फेल हो गई। काका, इस मोहल्ले में एक आदमी है जो तीन काम कर रहा है। तो अच्छा है ना, यहाँ एक आदमी एक काम करने को तैयार नहीं है, वो एक आदमी तीन तीन काम कर रहा है, परिश्रमी है, अच्छा है। ऐसे नहीं काका, एक आदमी है इस मोहल्ले में जो तीन तीन बनकर घूम रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है, एक आदमी तीन आदमी कैसे बन सकता है? मैं समझाता हूँ आपको। एक आदमी है जो पहले आम बेचता है, फिर डाकिया बनता है, और फिर भीख मांगता है। एक ही आदमी। तूने खुद तीनों को देखा? तीन नहीं, एक ही है। अरे अभी बोला तीन आदमी है, तो अभी एक कैसे हो गया? देखिए काका, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। एक आदमी पहली बार आम बेचने इस घर में आता है, दूसरी बार डाकिया बन के इस घर से निकलता है, मतलब इस मोहल्ले और इस घर के बीच में घनघोर घोटाला चल रहा है कुछ। तुझे पूरा विश्वास है? काका, अगर मैं झूठ साबित हुआ ना, तो आपकी एक साल की यात्रा रद्द हो जाएगी, आपकी यात्रा की कसम। यात्रा की कसम मत खाओ। मैं सिर्फ कसम नहीं खाता हूँ, आपको पता है मैं बादाम भी खाता हूँ। मेरा दिमाग कभी गलत नहीं बोलेगा काका। हाँ जया। बाबा, मुझे ना आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मैं जरा यहाँ जरूरी काम में हूँ, मैं बाद में फोन करूँ चलेगा? ठीक है बाबा। मर गए। That's nice. Good job, good job, good job, आकाश. Good one. This is looking good. हाँ यार, अपनी डिजाइन किया नहीं वाली? Nice. Great stuff. यार ये बार बार जया क्यों फोन कर रही है? हाँ जया, बोलो। जय, तुम तबेले से दूध लेकर आ गए? तबेला? दूध, दूध, हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ बस अभी निकल रहा हूँ। अच्छा, पीछे से कोई आवाज नहीं आ रही? जया,
भैंस इसका मतलब थोड़ी घों घों करती रहेगी ना। देखो तुम्हारी भैंस ने सुन ली। अच्छा हेलो हेलो काका, इधर उसको देखा था मैंने। इनमें से कोई है? नहीं काका, लगा ही था मुझे। काका मेरा विश्वास कीजिए, वो यहाँ पे आएगा। अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो मालूम है ना क्या करना पड़ेगा? 100 उठक बैठक। 200। हाँ आ गया काका, आ गया वो आदमी। यही वो डाकिया है जो आम भी बेचता है और हम जहाँ खड़े ना यहाँ बैठ के भीख भी मांगता है, जिसका इस घर के साथ कुछ गड़बड़ है। मैं तो कहता हूँ काका, अपनी चप्पल से इसे ऐसा मारिए इस सारा सच उकल दे। काका मैं बात करूंगा ना वो ठंडा पड़ जाएगा, देखिए। क्यों डाकिया बाबू? अरे तुम्हारे काका की चिट्ठी नहीं आई है, चलो। अच्छा भूल गए, भीख में 1 रुपया दिया था। देखा काका कैसा ठंडा पड़ गया, अभी आप जाइए और उसे गरम कीजिए। एक्सक्यूज मी। कहिए, क्षमा करें जी। इस ऑफिस में कब से काम कर रहे हैं? महोदया जी, मैं इस संस्थान में गत 5 वर्षों से कार्यरत हूँ। अच्छा, क्या आप इन्हें जानते हैं? अरे ये